चेक नए प्रोटीन के बारे में जो कि है जीएनसी प्रो परफॉर्मेंस एएमपी गोल्ड सीरीज 100% वे प्रोटीन एडवांस। ये प्रोटीन मैंने एक महीने पहले लिया था और जो कि मेरे को पड़ा था 4,200 रुपये में। और इसके न्यूट्रिशन वैल्यू बता देता हूँ आपको, इसके अंदर है पर सर्विंग्स 117 कैलोरी है और टोटल फैट 1 ग्राम है। कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर 18 mg है और टोटल कार्बोहाइड्रेट 3 ग्राम है। प्रोटीन 24 ग्राम, कैल्शियम 87 mg, आयरन 0.8 mg, सोडियम 67 mg एंड पोटेशियम 99 mg। ओवरऑल प्रोडक्ट मेरे को अच्छा लगा, ना ये कह सकते हैं बेस्ट क्वालिटी है या चीप क्वालिटी है। मैंने इसको बाय इसलिए किया था क्योंकि ये इनफॉर्म चॉइस स्पोर्ट्स के द्वारा सर्टिफाइड था, यही कारण था मेरा भी मैंने इसको बाय किया, क्योंकि मैं क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी भी प्रेफर करता हूँ। और मैंने इसको बाय मेरे एक दोस्त की दुकान से ही किया था और बता देता हूँ आपको कि ओवरऑल ठीक है प्रोडक्ट, क्वालिटी ठीक है, लेकिन इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं है। अभी आप जो टेस्ट के शौकीन है वो टेस्ट इसका डिस्प्ले से, इसके अंदर फ्लेवर दे रखा है डबल रिच चॉकलेट, 24 ग्राम प्रोटीन है, 5.5 ग्राम BCA है, 4 ग्राम ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिन। इसको मैं 2 टाइम लिया करता था और आप अगर अपन डाइट आपकी हाई न्यूट्रिशन, क्योंकि मैं वेजिटेरियन रहते हैं इसलिए मैं इसको 2 टाइम ले रखता था। आप इसको एक समय भी ले सकते हैं एक्सरसाइज के बाद, वर्कआउट के बाद। और अगर आप पहली बार अगर आप अपनी डाइट से प्रोटीन पूरा कर सकते हैं तो आपको जरूरत नहीं है बेफालतू पैसे खर्च करने की। ये तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट होता है, मान लीजिए अगर आपको 80-90% जैसे आपको 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो आप 80 ग्राम प्रोटीन अपने डाइट से लें और 10-20 एक एक्स्ट्रा एनर्जी 20-25 ग्राम आपको सपोर्ट करते हैं अगर प्रोटीन ऐड करने के लिए। बाकी ओवरऑल प्रोडक्ट गुड है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं और मैंने भी इसको अच्छा थम्स अप है मेरी तरफ से, लेकिन आप बाय जेन्युइन ही करें क्योंकि फेक माफिया बहुत ज़्यादा है मार्केट में। तो आप इसको एक अच्छी जगह से और पक्के बिल के साथ बाय करें ताकि आपके साथ धोखा ना हो पाए। और छोट तो कुछ है नहीं इसके अंदर, इतना खा सकता है लिए आपको ठीक ही रहा होगा प्रोडक्ट। तो ये ऊपर से दिखा देता हूँ आपको, ऊपर से कुछ नहीं लिखा हुआ है। आपको ये क्या कुछ चाहता हूँ कि आप इसको बाय कर सकते हैं और आप लैब टेस्टेड प्रोडक्ट ही बाय करें, जिससे कि आपको ये श्योर हो जाए कि भाई वो लैब टेस्टेड है और ये 100% सेफ है, क्योंकि प्रोटीन बुरे नहीं होते, बुरे होते हैं फेक प्रोडक्ट्स। कोई भी चीज़ असली चीज़ तो फायदा ही करेगी और नकली चीज़ तो नुकसान ही करेगी। बस यही बताना था आप सबको इस प्रोटीन के बारे में, एक ओवरव्यू मेरा थोड़ा बहुत जितना भी इस चीज़ की इसके बारे में पता था मैंने आपको बता दिया। अब आप देख सकते हैं मैं आपको लेना है नहीं लेना है।